सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और साथ में घंटी दबाना ना भूलें ताकि नई अपडेट होने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस टाइप की जो पीसीबी है इसमें टोटल मेन जो है मॉस्फेट आईसी ट्रांजिस्टर वो मोस्ट ऑफ चार मेजर है, मेजर पार्ट्स है इसमें जो इस पीसीबी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ये है मॉस्फेट, एक ये मॉस्फेट और ये ट्रांजिस्टर है ये वाला और एक ये वाला ट्रांजिस्टर। तो इसके होने से और ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है और इसके ख़राब होने से और अच्छे होने से क्या क्या प्रॉब्लम होने होते हैं वो मैं आपको आज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो ये सब कनेक्शन मैंने पहले से कर दिया है और ये कैपेसिटर का कनेक्शन भी दे के रखा है और ये बैटरी का भी ऐसा करके मैंने रखा है ताकि हमें ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ये वाला जो है इसको Q1 हम बोलते हैं, इसमें Q1 तो ये ना होने से झटका मशीन में क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में आप पहले हम देखते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको निकाल देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये वाला ट्रांजिस्टर यहाँ से निकाल दिया है। तो अब मैं इस झटका मशीन को स्टार्ट करके देखता हूँ कि होता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, मतलब पीसीबी में कुछ है नहीं, मतलब पावर सर्कुलेशन यहाँ से कट हो जाता है, थोड़ा बहुत भी पावर इसमें नहीं होता है। और बहुत से मेरे फ्रेंड को इसमें ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि इसमें पावर भर जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है कैपेसिटर का, वहाँ मैं पावर शॉर्ट करके देखता हूँ। तो देख, आप देख रहे हैं कि इसमें पावर थोड़ा सा भी जमा नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहले इसको निकाल देते हैं और ये जो हमने निकाला था उसको वापस उसी की जगह में हम डाल के दूसरा टर्मिनल दूसरे आईसी मॉस्फेट ट्रांजिस्टर में ये निकाल के हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम वापस डाल देते हैं। ये वापस डालने के बाद हम दूसरे ट्रांजिस्टर में देख लेंगे कि दूसरा ट्रांजिस्टर अगर नहीं है तो क्या होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो हीटिंग वाली जो आईसी है वो बहुत ही गर्म हो जाती है। मैंने यहाँ पे अभी मेरी उंगली लग गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो मॉस्फेट है हीटिंग वाली वो बहुत ही ओवर हीट हो जाती है और ज़्यादा देर अगर ऐसे ही बिना ये ट्रांजिस्टर के अगर हमने पावर बैटरी का पावर अगर इसको दिया होता तो दूसरा तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो हीटिंग वाला जो है वो बहुत ही गर्म हो गया है। देखो मैं हाथ लगा के देखता हूँ लेकिन बहुत ही गर्म है ये। तो हमने बात की पहले ये ट्रांजिस्टर की, इसको निकाल के हमने देखा तो क्या हुआ कि कैपेसिटर में पावर जमा नहीं हुआ और ये जो हीटिंग वाली जो मॉस्फेट है उसमें बहुत ही हीटिंग हो गया। ठीक है, अब हम इसी को निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। मैं जो Q1
बॉल निकाला था, इसकी वजह से ये बहुत ही गर्म हो चुका था, तो मैं इसको पकड़ के इसको निकालने की कोशिश करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो हीट सिंक वाला है उसको निकाल दिया है, और जो पहले वाला जो था Q1 उसको उसी की जगह पे वापस डाल दिया है। अब मैं इसमें बैटरी का पावर देके हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अगर हम ये जो मॉस्फेट है हीट सिंक वाला उसको निकाल दिया है, फिर भी इसमें कुछ हो नहीं रहा है, मतलब पावर भी इसमें स्टोर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप देखें कि यहाँ पे कुछ पावर जमा नहीं होता है। तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं कि और कोई मॉस्फेट पहले की तरह हीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, एक भी मॉस्फेट इसकी वजह से हीटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये खराब हो जाता है तो हमारी जो पीसीबी है उसमें दूसरे मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, मतलब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हमने जो पहले जो निकाल दिया Q1 उसकी वजह से ये बहुत ही हीट मार रहा था, बहुत ही गर्म हो चुका था। ठीक है, तो चलिए हम इसको वापस डाल देते हैं। ये जो हीट सिंक वाली जो मॉस्फेट है उसको हमने वापस डाल दिया है, और अब देख लेते हैं कि पीसीबी चालू है या बंद। तो आप देख रहे हैं कि हमारी पीसीबी वर्क कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हीट सिंक के बगैर जो लगा है मॉस्फेट उसको हम निकाल के देखते हैं कि अगर ये खराब हो तो पीसीबी कैसे रिएक्ट करती है उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो हीट सिंक के बगैर जो मॉस्फेट लगा है बड़ा वाला, जो दो बड़े बड़े डायोड है उसके बाजू में जो लगा है, उसको निकाल के हम देखते हैं कि अगर ये खराब हो जाता है तो क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये निकाल दिया है। अब हम इसको बैटरी का पावर देके देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो LED है वो हो रही है, और ये चालू होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है कैपेसिटर का पावर इसमें पूरा भर जाता है। आप देख रहे हैं, मैंने एक बार पावर डिस्चार्ज कर दिया है तो दूसरी बार इसमें पावर वापस भर गया है, देख रहे हैं। तो अब मैं ये बैटरी का कनेक्टर निकाल देता हूँ, और सबसे पहले पावर भर जाने के बाद आपको एक बार इसको डिस्चार्ज कर देना है, और डिस्चार्ज करने के बाद ही इस पीसीबी में कहीं भी आप उंगली लगा सकते हैं। अगर पावर इसमें जमा है तो आप इसमें उंगली कहीं भी लगा नहीं सकते। तो हमने देखा टोटल दो मॉस्फेट के बारे में और एक ट्रांजिस्टर के बारे में, और मैं अब इसको वापस इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने इसको वापस जहाँ था वहाँ पे डाल दिया है, और बचा एक ट्रांजिस्टर, तो हम इसको भी निकाल के देख लेते हैं, और निकालने के बाद ये कैसे रिएक्ट करता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीसरा वाला जो है उसको भी मैंने निकाल दिया है यहाँ से Q3 को, और अब हम इसको बैटरी का पावर देके हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको मैंने निकाल दिया तो इसमें पावर फिर से भर गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाली जो पीसीबी है इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो
पीसीबी किसी भी प्रकार का रिएक्ट करेगा करेगी पीसीबी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है और कौन सा ट्रांजिस्टर और कौन सा मॉस्फेट खराब है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। ये फाइनल नहीं है कि यही खराब होगा, लेकिन ये खाली आधार है हमको चेक करने का कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कौन सा मॉस्फेट और कौन सा ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो हम बनाएंगे कि ये मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर के अलावा दूसरे कंपोनेंट अगर खराब है तो पीसीबी कैसे रिएक्ट करती है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।